लेबर जी है बहरली लेबर सी ओन सहूलत दे के वापस भेजा सहूलत देनिया चाहिए सी नाल दी नाल हुण उन्हां नूं वापस लैण दा जिहड़ा प्रबंध है वह भी नाल दी नाल करना चाहिए सीगा ना सरकार का कोई प्रबंध है ते ना लेबर मिल रही है जिहदे सिट्टे वजों अज किसान बहुत फिर हुण अज कल किसानां नूं एडा बड़ी आफत खड़ी हो गई पहले ही तो खेती जिहड़ी है किसानी घाटे वल जा रही उधर भी पनीरी का टाइम टपदा जा रहा है उधर लेबर नहीं वापस मुड़ के आ रहे। स्वागत है जी मेरा पंजाब न्यूज ते सारे दर्शकों का क्योंकि पंजाब का सूबा जो कि किसानी का सूबा है पंजाब दे करके ही वख वख मुल्कां दे लोग जो कि अनाज उन्हें तक पहुंचता है लेकिन कितने कितने किसानों नूं पंजाब दे विच अणगोलिया किया जा रहा है समय समय से सरकारां दे वल्लों पंजाब दे किसानां नाल भी धक्का किया जाता है पर उत्थे इक वड्डी जो कि त्रासदी सामने आई है कि बीते दिन जो कि कोरोना वायरस की महामारी के चलदियां वड्डी गिनती विच जो कि लेबर इत्थों प्लैन कर चुकी है लखां दी गिनती विच लेबर इत्थों छड के चले गई है ते सरकार वल्लों दावा किया गया सी उन्हां वल्लों ऐलान किया गया कि 10 जून तो झोने की लुआई शुरू की जानी है ते उन्हां वल्लों कितने कितने दावा भी किया गया उस तो पहला पहला जो कि असी लेबर नूं इत्थे वापस लैके आवांगे पर हाले तक जिथे तक अंकड़े प्राप्त होए ने पंजाब दे विच वापस लेबर नहीं आई है जिस करके हाले तक किसानों वालों झोने की लुआई नहीं शुरू की गई है जो कि एक वड्डा असी कह सकते हैं कि वड्डा घाटा पै जाएगा पंजाब के किसानों नूं इस संबंध लई असी जुड़े हाँ वख वख किसान आगू दे नाल किसान यूनियन दे नाल असी उन्हां गलबात करांगे ते उन्हां दे पुछांगे उन्हां दा की कहना जी सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी मैं मोहन सिंह धमाणा प्रधान जमहूरी किसान सभा जिला रोपड़ जिवें तुसीं कहा कि सरकार ने सख्ती नाल फैसला लिया सी कि 10 जून तो पहला पिछले साल भी लिया पहला भी ले है कि 10 जून तो पहला जिहड़ा है झोना नहीं लाना लोगों ने उन्हें बकायदा तौर पर मनिया है ते नाल जिहड़ी हुण किसानां नूं औकड़ आ रही है कि लेबर नहीं मिल रही ठीक है सरकार ने लेबर नूं जिहड़ी है बाहरली लेबर सीगी उन्हूं सहूलतां दे के वापस भेजा सहूलतां देनियां चाहीदियां सीगियां ते नाल दी नाल हुण उन्हां नूं वापस लैण दा जिहड़ा प्रबंध है वह भी नाल दी नाल करना चाहीदा सीगा सरकार इस गल वल कोई ध्यान नहीं दे रही चाहीदा सरकार नूं इह सीगा कि उन्हां नूं सहूलतां दे के उत्थों वापस लिया दे तां कि किसान जिहड़े है जिहड़ा झोना आ उन्हूं अपने खेतां च लवा के बकायदा तौर पर जिहड़ा आ टाइम सिर इस बिजाई नूं मुकम्मल कर सकदे पर ना सरकार का कोई प्रबंध है ते ना लेबर मिल रही है जिहदे सिट्टे वजों अज किसान बहुत परेशान है। तुहानू की लगता कि लेबर अजे तक नहीं आई है ते उस तो बाद झोने की लुवाई भी लेट हो रही कि इसका जो असर है आम वाले समय के झोने के झाड़ ते पवेगा जां किसानों की आमदन ते इसका असर पवेगा ये तो कुदरती गल है जदों झोना लाने च लेट होवांगे लेट जिहड़ी बिजाई हैगी है उहदा जिहड़ा झाड़ घटदा आ सरकार ने अगे ही सिर्फ 53 रुपए का वाधा करके झोने के भाव के नुगुणा वाधा करके लोगों नाल मजाक किया है किसानों नाल मजाक किया है क्योंकि जिहड़ी लागत कीमत है झोने की इस वक्त इन्हां दा लागत कमीशन ने दसदा आ कि वह 1665 रुपए प्रति क्विंटल है 1665 दे विच जे उहदा 50% जोड़ दईए तो वह बनता 2499 हुण जिहड़ा रेट है झोने का वह 2499 के नेड़े तेड़े भी नहीं है इस करके किसानां दी लुट जिहड़ी है सरकार वल्लों भी हो रही है भा घट बन के ते नाल मजदूरां दे लेबर दे ना आण दे कारण जिहड़ा है बिजाई पछेती होण कारण झाड़ भुखों भी जिहड़ी है वह लुट जिहड़ी होवेगी जिवें पिछे कणक दी होई है बीमारी लग गई होर तरह तरह के जिहड़ा है फसलां खराब हो गईआं और जिहड़ा हैगा दाणे जिहड़ा माड़ा सीगा उहदे ते सरकार ने कट लाता और कट ला के जिहड़ा हैगा आ किसानां दी लुट कीती है और इसे तरह दे नाल झोने विच होणा सो तुसीं सुनिया कि इन्हें गल की है जिस तरीके ने सरकार लेबर वापस भेजी थी उसे तरीके ने उन्हें सहूलत दे के वापस लियाना चाहिए है ते नाल दे नाल इन्हें यह भी दोष लाया कि किसानों की लुट पहला भी हुई है कणक के सीजन वेले जेकर लेबर नहीं आई है तो उस तो बाद कणक का झाड़ भी कटेगा तो नाल दी नाल इन्हें गल की लेबर इतों परेशान हो गई है बहुत सारी लेबर इतों पैदल ही पलायन कर गई है वो अपने छोटे छोटे बच्चों ने कुछड़ चुक के वह हज़ारा किलोमीटर का सफर तय करके अपने मुल्क वापस पहुंची है वक् वक् तरह के होर भी सवाल इतने उठते हैं सो असी उन्होंने सवालों के बारे भी गल करा तो लगता है कि जड़े इतने जो लेबर पहला आ रही थी उस तो बाद इतों जो लेबर चलेगी है कि सरकार दी इत्थे कोई कमजोरी दिस रही है इत्थे कमजोरी सरकार दी यही है भई उन्हां नूं पहला तो इत्थे दे दुखी हो गए बीमारी ते डर दे
सारे काम धंधे ठप होने दे करके दुखी हो गए, इत्थे चले गए। फिर हुण अजकल किसानां नूं एडा बड़ी आफत खड़ी हो गई, पहलां ही तां खेती जिहड़ी है किसानी घाटे वल जा रही है। उहदे बाद हुण बीजां बीजे वे सारे खेतां दीआं तैयारियां कीतीआं वा, बट्टां डौलां कीतीआं वा, बन्ने बन्न के झोना लाण दी तैयारी है। उधर भी पनीरी दा टाइम टपदा जा रहा है, उधर लेबर नहीं वापस मुड़ के आ रही। वायदा होया तां डीसी साहब ने भी ऑर्डर कीते थे पंचायतां नूं भई असीं कोई तुहाडे प्रबंध कीते जाणगे ते जां असीं नरेगा आले डिपार्टमेंट दा विच पावांगे भी नरेगा आले बंदे भी लवाऊंगे, 100-100 बंदा पिंड नूं दे देवांगे, सरपंचां पंचायतां ते पुछिआ तां। पर कोई हजे तक मसला हल नहीं हो रहा। जिहड़ा टाइम है इह झोने दा इह लंघदा जा रहा, पनीरी 40 दिन ते बाद किसे काम दी नहीं रहिंदी, कोई झाड़ देण दे योग नहीं रहिंदी, कोई उहदा बहुत ही फायदा नहीं हुंदा किसान नूं जे वक्त नाल ना लगी जावा। बहुत सारे इलाकों जिथे कि साढ़े पंजाबी मजदूरों वालों जो कि झोने की लुवाई शुरू कर दी गई है, पंजाबी मजदूर झोना लगा रहे हैं, तो तुहानू की लगता कि उन्होंने झोने की लुवाई जां अगर साढ़े अपने मजदूरों की गल करिए, क्योंकि सरकार ने यह भी गल कही कि यह काम असीं नरेगा मजदूरों देवांगे, जे नरेगा मजदूर नूं यह काम दिता जांदा कि साडी झोने की लुवाई सफल होवेगी? सफलता उहदे कोई चांस नहीं है, पर बसी दा नाल भई जे मसला सरकार ने इस ढंग हल ना करना सीगा तां उह कीता जा सकदा तां भई उहनां नूं आर्डर कीता जावा ते, पर घाटे तां जाणा उहनां नूं लाण दा तरीका नहीं हैगा, तजर्बा नहीं हैगा। जिहड़े लेबरां काम करदियां उहनां दे विच कुछ गुण है, उहनां दे लुआई दे अपने अपने तजर्बे हन, उहदे नाल पैदा बर वधिया निकलदी थी, जां नवियां बंदियां नाल ट्रेनिंग करनी है उहदा विच कताही भी होर भी नुकसान हो सकदा है। जिहड़े कि कुछ ड्रिल मशीनां दे राहीं झोने दी लुवाई कीती जांदी है, क्या कित्थों तक कामयाब ने उह चीज़ां? ਇਹ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸਲੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟਡ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣੂਗਾ, ਪੂਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਜਾਂ ਇੱਧਰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੀ ਤੀ ਕਰ ਸਕਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਆਈ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੋ ਧਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਬਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਕਰੂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਪਰ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 5,000 ਪੈਂਦਾ 10-12,000 'ਚ ਪਊਗਾ ਲਾਣਾ ਧਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਧਾਨ ਲਾਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋੜਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਵਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਕੀ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ,
पर उन्होंने क्योंकि राशन जी सप्लाई ठीक ढंग नहीं हुई है, उन्होंने जी राशन की वंड है वह ठीक ढंग ना होने कारण वो हताश हो गए। जो सिट्टे वजो उन्होंने अपना प्रदेश में अपने देश में जोड़ा जाना अपने स्टेट में जाना जोड़ा वो ठीक समझिया और स्टेट में जाने जे हने गए है थोड़ा चिरे होया थोड़ा समा होया वो वापस छेती नहीं आने हैं क्योंकि इन्नी छेती आना जाना उन्होंने वास्ते औखा आ। वो सरकारें कोशिश करके उन्होंने लिया सकती है ताकि किसानों का जोड़ा हैगा ये जरा घाटा पै रहा किसी किस्म का लेट हो रहा झोना उन्होंने जोड़ा है ठीक करने के लिए भरपाई जी है सरकार द्वारा ही कराई जानी चाहिए है और सरकार ही करा सकती। सो तुम सुनिया है हूँ देखना यह पवेगा कि इन्ह किसान आगुआ के वलों सरकार के काम के प्रति वक् वक् सवाल चुके गए सरकार मांग भी की गई कि इस तरीके लेबर उन्हें भेजी है सहूलत देकर उस तरीके सहूलत देकर वापस भी बुलाई जाए। होर भी कई सवाल उठे ने जिमें कि उन्होंने मजदूरों राशन ना मिलना हो सहूलत ना मिलना। सो हूँ देखना यह पवेगा कि इन्ह के वलों आवाज उठाने के बावजूद जब के वक् वक् सूब होर इलाकों भी आवाज उठाई गई है लेबर की मंग की क्या सरकार वालों लेबर नूं वापस लिया जाता जा नहीं जा इवें किसानां दीआं फसलां रोलदीआं रहणगीआं। कैमरामैन मनोज तिवाण दे नाल मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश हलन नूरपुर बेदी।